नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। यूपी में एक बार फिर से इनकम टैक्स की बड़े छापेमारी हुई है। कानपुर में इत्र के बड़े व्यापारी पीयूष जैन के यहां छापा पड़ा है और इस रेड में इतने नोट मिले कि लोगों के होश उड़ गए हैं। इनकम टैक्स को अब तक 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की जानकारी मिली है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, छापेमारी में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है, नोटों का अंबार दिख रहा है। आईटी की टीम एसबीआई की कई मशीनों से नोटों की गिनती करती रही और ये गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। कानपुर के आनंदपुरी कॉलोनी में जब छापा पड़ा तो घर के अंदर अलमारी में बंडल के बंडल नोटों के रखे थे, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और तस्वीरों में देखिए किस तरह से ट्रंक्स के अंदर इनको आगे ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दो कई मशीनें मंगानी पड़ी और जो कैश है वो 100 करोड़ रुपए कैश। देखिए यहां पर कितने सारे जो लोग थे वो बैठ के सिर्फ कैश ही गिन रहे थे और लगातार ये चलता रहा सिलसिला, क्योंकि बड़ी तादाद में 100 करोड़ रुपए कैश मिला है और साथ ही साथ 160 करोड़ रुपए, जी हां 160 करोड़ रुपए के अघोषित संपत्ति का भी पता लगा है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, रेड मारी गई है और रेड में 100 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। और आयकर की रेड में अब तक क्या क्या मिला है, विशाल प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इनकम टैक्स और जीएसटी की इस समय बड़ी छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर कानपुर क्षेत्र में, और कानपुर के अलावा ये छापेमारी की जा रही है न सिर्फ कन्नौज में बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी। हम इस समय कानपुर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ये पीयूष जैन जो कि कारोबारी हैं इत्र के, उनका ये आवास है जहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पिछले एक दिन से शाम 7 बजे से छापेमारी की जा रही है और अब तक यहां बताया जा रहा है कि 90 करोड़ से ज़्यादा कैश मिल चुका है। इसके अलावा अघोषित संपत्तियां मिली हैं, बॉक्सेस मंगाए गए हैं बड़ी संख्या में, यहां पर आप देख सकते हैं कि 80 बॉक्सेस मंगाए गए हैं ताकि जो अलमारियों में कैश मिला है जिसको कि मशीन लगा करके बाकायदा SBI की मदद ली जा रही है और मशीन लगा करके उस कैश को गिना जा रहा है। बाकायदा उस कैश को गिनने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ से जो इनकम टैक्स की टीम है, जो GST की टीम है वो निकलेगी, लेकिन बड़ी संख्या में कैश मिला है, अनअकाउंटेड कैश मिला है, अलमारियों में कैश मिला है। और जिस तरीके से अघोषित संपत्तियों के जरिए बात की जा रही है, शेल कंपनियों की बात की जा रही है, उससे निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं। पीयूष जैन के बारे में बताया जा रहा है कि ये कानपुर के कारोबारी हैं और इनकी इत्र की जो फैक्ट्री है वो कन्नौज में है। समाजवादी इत्र अब से कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था लखनऊ में, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था और ये बताया जा रहा है कि जो पंपी जायसवाल हैं जो कि MLC रह चुके हैं, उनके साथ पीयूष जैन के साथ काफ़ी बेहतर रिश्ते बताए जा रहे हैं। दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं और जिस दौरान समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग लखनऊ में हुई थी उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पंपी जायसवाल बल्कि पीयूष जैन भी नजर आ रहे थे। इससे पहले अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के जो करीबी लोग हैं अखिलेश यादव के, हम उनके यहां छापेमारी हो चुकी है और इनकम टैक्स की तरफ से बाकायदा इस बारे में जो आकलन है वो भी साझा किया गया था कि शेल कंपनियों के जरिए बाकायदा जो टैक्स चोरी है वो की जा रही है, बोगस कंपनियों के जरिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि टैक्स चोरी किया सके, और इसी वजह से बड़ी संख्या में कैश उस वक्त भी मिला था, अनअकाउंटेड मनी मिली थी और काफ़ी सारा जो ट्रांजेक्शन है उसकी भी बात सामने आई थी। फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीम है, GST की टीमें हैं, वो लगातार कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी कर रही हैं और SBI की 5 मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो कैश है, बड़ी संख्या में कैश है, उसको जल्द से जल्द गिना जा सके। 80 बॉक्सेस यहां पर मंगाए गए हैं ताकि उन्हीं बॉक्सेस में रख करके कैश को बाहर लाया जा सके, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की इनकम टैक्स की छापेमारी, GST की छापेमारी और बड़ी संख्या में नोटों का बरामद होना, जिसमें कहा जा रहा है कि 90 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश इस घर से बरामद हुआ है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी छापेमारी को लेकर के समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हुई है और अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें पता था, उन्हें इंतजार था कि कब CBI आएगा, कब ED आएगी, कब इनकम टैक्स की छापेमारी होगी, लेकिन जब छापेमारी कंप्लीट होगी और उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ से वक्तव्य जारी होगा, उसके बाद निश्चित तौर पर यह साफ हो सकेगा कि यहां से कन्नौज से, महाराष्ट्र से और गुजरात से कारोबारी पीयूष जैन के यहां से क्या क्या बरामद हुआ है इनकम टैक्स की टीम को, लेकिन यह छापेमारी लगातार जारी है। कैमरामैन मकसूद आलम और ज्ञानेंद्र के साथ विशाल प्रताप सिंह, India TV, कानपुर। और इत्र के कारोबारी पीयूष जैन की कंपनी ने पिछले महीने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और खुद अखिलेश यादव ने SP दफ्तर में इस लॉन्च को, यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा किया था। उनके हाथ में वही इत्र की बोतल नजर आ रही है जिसमें समाजवादी इत्र लिखा हुआ है, उसमें साइकिल की छाप है और इसमें रंग भी देखिए कि लाल और साथ में हरा लिखा है। और कैश इतना ज्यादा है
कि नोट गिनने के लिए बता जा रहे 25 बॉक्स मंगाए गए हैं और यूपी और मुंबई के 6 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे छापेमारी में क्या क्या चीजें सामने आई है। तो सबसे पहले देखिए कि पीयूष जैन, जी हाँ, पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा है और नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई हैं और एक नहीं कई सारी मशीनें, और कई मशीनों से नोटों को गिना जा रहा है। 25 बॉक्स मंगाए गए हैं और 25 बॉक्स इसलिए मंगाए गए ताकि ये जो 100 करोड़ के जो कैश मिला है इसको ले जाया जा सके। इसके साथ ही नोटों के जो बंडल्स हैं उनकी गिनती लगातार की जा रही है। तो सबसे अपने आप में सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना सारा कैश एक जगह पे इकट्ठा होना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, कहां से आया कैसे आया, अब जब छानबीन होगी तो पता लगेगा। इसके अलावा अघोषित संपत्ति 160 करोड़ रुपए की पता लगी है और कैश 100 करोड़ का मिला है और गिनती का जो काम है लगभग पूरा हो चुका है और जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब पता लगेगा कि आखिरकार ये पूरा फिगर कितना आता है। लेकिन अलमारी में देखिए कि किस तरह से बंडल बना के नोटों के रखे गए हैं और 500-500 के इसमें ज्यादातर सारे नोट हैं जिन्हें बंडल बनाकर रखा गया था और जो रेड के दौरान सामने आया है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 260 करोड़ की संपत्ति यानी कि रकम का पता लगा है, जिसमें 160 करोड़ की तो अघोषित संपत्ति है और 100 करोड़ के करीब तो सिर्फ कैश ही है। आयकर विभाग की यह रेड पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर पड़ी है। यह रेड कानपुर, कन्नौज और मुंबई के अलावा 3 और शहरों में पड़ी है, तो कानपुर, कन्नौज, मुंबई, इसके अलावा कुछ और जगहों में भी बताया जा रहा है कि यह रेड की जा रही है, लेकिन यह मुख्य इलाके हैं जहां पर यह रेड हुई है। इस रेट से समाजवादी पार्टी सवालों में घिर गई है क्योंकि पीयूष जैन की कंपनी ने समाजवादी इत्र का लॉन्च किया था और जहां पर अखिलेश यादव खुद मौजूद थे और पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन के भी करीबी माने जाते हैं। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और लिखा, समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां छापे में बरामद 100 करोड़ से ज्यादा नगद मिले, काली कमाई है। तो समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है, यह कहना है संबित पात्रा का। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च किया और पीयूष जैन के यहां छापे में बरामद हुई है 100 करोड़ से ज्यादा की कैश। आयकर की रेड के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे नोटों की गड्डियां फिल्मों में नहीं दिखती हैं, पता नहीं था कि समाजवादी टोटी से इतना धन निकाल लेंगे। समाजवादी इत्र बनाया था पीयूष जैन ने कानपुर के, करोड़ों की संपत्ति मिली है। समाजवाद की टोटी से ऐसे नोट निकलेंगे ये पता नहीं था। समाजवादी इत्र और ऐसे नोटों की गड्डी हमने पिक्चरों में भी नहीं देखी जैसी निकल रही है। अब आप सोचिएगा ये बाहुबल का धनबल का प्रयोग कौन करता है, ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग, ब्लैक मनी कहां से आती है, कहां रखी जाती है और किस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसकी टोटियों से नोट बरस रहे हैं। तो ये वो अलमारी है जहां पर आप देखिए कि गिनिए कितने यहां पर सिर्फ नोटों के बंडल हैं और जब इन नोटों के बंडलों को खोला गया तो उसके अंदर आप देखिए कि कितने सारे नोट मिले हैं और सबकी गड्डियां एक एक करके गड्डियों का एक अंबार लग गया है और मशीनें देखिए एक दो नहीं कई सारी मशीनें लगाकर वहां पर इन नोटों को गिना गया कि आखिरकार कैश कितना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।